out again. हाय दोस्तों, आज हमारे पास है Infinix Hot 12 Pro। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और ये सबसे चीपेस्ट फोन है दोस्तों, जहां पे आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है, साथ में 128GB की स्टोरेज है। तो आज इस फोन को हम अनबॉक्सिंग करेंगे और छोटा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि फोन में क्या कुछ देखने को मिलता है और जिस प्राइस पे इसको लॉन्च किया गया है, क्या वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, क्या ये फोन हमें लेना चाहिए। वैसे ये फोन जो है दो वेरियंट में लॉन्च किया गया है, 6GB 64GB और 8GB 128GB, और हमारे पास टॉप मॉडल है 8GB 128GB की। तो इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। जो बेस वेरिएंट है 6GB, वो आपको मिल जाता है 10,999 रुपए में, और जो टॉप मॉडल है दोस्तों वो मिलता है आपको 11,999 रुपए में, और शुरुआती कुछ सेल में दोस्तों आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये है Infinix Hot 12 Pro का बॉक्स। ऊपर में यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल और 8GB 128GB को हाईलाइट किया गया है। पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ हाइलाइटिंग स्पेक को मेंशन किया गया है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और बॉक्स को खोलते ही सबसे ऊपर में आपको फोन देखने को मिलता है। तो इसको साइड में रखते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट देखते हैं। तो एक 18 वाट का हमें चार्जर देखने को मिलता है इसमें, एक टाइप सी केबल, एक सिम इजेक्टेड टूल, कुछ यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, एक एक्स क्लब का कार्ड और साथ में एक ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिलता है। और प्राइस के हिसाब से कवर की जो क्वालिटी है अच्छी लग रही है। अब आ जाते हैं हम फोन की तरफ। तो फोन को इस पॉलिथीन से बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो फोन है ब्लू कलर में है, यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। सो फर्स्ट लुक में तो फोन काफी अच्छा लग रहा है। फोन को हम फटाफट ऑन कर लेते हैं और सेटअप करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमने फोन यहाँ पे सेटअप कर लिया है। फोन दोस्तों काफी अच्छे डिजाइन के साथ आता है, फ्लैट एजेस हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से फोन जो है काफी ज्यादा खूबसूरत और पकड़ने में काफी अच्छा लगता है। तो एक बार हम जो है इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं फिंगरप्रिंट ट्राई कर लेता हूँ। पीछे की साइड में इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो देखिए, टच किया मैंने और ये अनलॉक, टच किया और अनलॉक। चलिए एक बार फेस अनलॉक भी ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं आप, फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है और काफ़ी तेज़ी से अनलॉक हो जाता है। अब दोस्तों इसके ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक 3.5mm ऑडियो जैक, एक माइक, USB सी पोर्ट और साथ में एक सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की साइड में कुछ नहीं है। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आप दो सिम के साथ साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। तो डिज़ाइन वाइज दोस्तों फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लगता है। हालांकि अगर आप पीछे देखोगे तो ट्रिपल कैमरा जैसा आपको मालूम होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए है। यहाँ पे दो ही कैमरा दिए गए हैं और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है पीछे की तरफ, और ये मैट फिनिश के साथ आता है, तो इसको पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील होता है दोस्तों। वहीं पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6.6 इंच का एक ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर ये फ़ोन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है, 90Hz का रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिल जाता है और साथ में 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। अब दोस्तों अगर इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है यूनिसोक T616 का प्रोसेसर, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 680 जैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है। साथ में आपको 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और जो रैम है दोस्तों वो है LPDDR4X की, और जो स्टोरेज है वो है UFS 2.2 की। तो काफ़ी अच्छी आपको रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक इसका छोटा वेरिएंट भी आता है, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको वर्चुअल रैम का भी फीचर देखने को मिलता है, जिसे आप स्पेशल फंक्शन में जाके एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे अप टू 5GB रैम देखने को मिल जाता है वर्चुअल, यानी आपका 8GB रैम इनबिल्ट दिया गया है फ़ोन में, और 5GB रैम जो है आप वर्चुअली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 13GB की रैम आपके फ़ोन में हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है ये भी। फिलहाल के लिए जो वर्चुअल रैम है दोस्तों अपडेट के बाद आने वाला है, तो इसमें अभी एक अपडेट आने वाला है, उसी के बाद जो है आपको ये वर्चुअल रैम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब अगर कैमरास की बात करें दोस्तों, तो इस फोन में पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा है और जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। साथ में आपको एक AI लेंस देखने को मिल जाता है और साथ में डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में भी आपको 8 मेगापिक्सल का
f2.2 का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और साथ में सेल्फी में जो है दोस्तों यहाँ भी फ्लैश दिया गया है, जिसे आप रात में या फिर अंधेरे में फोटो या वीडियो लेने के टाइम में यूज कर सकते हो, तो ये भी काफी एक अच्छा यूजफुल फीचर हो जाता है। बाकी कैमरा की क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो कैमरा सैंपल्स में आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के फोटोज ले सकते हो आप इस फोन से। बाकी अगर मैं वीडियोस की बात करूं, बाकी वीडियो क्वालिटी की बात करूं, तो आप फुल एचडी में फ्रंट और रियर दोनों साइड से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये वीडियो सैंपल है दोस्तों, देख सकते हैं आप। बाकी दोस्तों इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो एक बार हम साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। स्पीकर के हिसाब से दोस्तों को साउंड क्वालिटी ठीक ठाक सुनने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कम साउंड है इसका। और साथ ही साथ दोस्तों DTS सराउंड साउंड का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। बाकी और चीज़ों की बात करें दोस्तों, तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो इजिली वन डे लास्ट कर जाएगा। और साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो आपके फ़ोन को लगभग 2.5 घंटे तक फुल चार्ज कर सकता है। और अगर आप एक बार चार्ज कर लोगे तो फिर पूरा दिन आपका आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें Android 12 और XOS 10.6 देखने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी सारे यूजफुल फीचर दिए गए हैं। इस फ़ोन में दोस्तों 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है आपको, जिसमें से 10.56GB जो है यूज्ड है, और बाकी जो है आपको फ्री देखने को मिल जाती है जब आप पहली बार फ़ोन को सेटअप करोगे। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इस फ़ोन में आपको देखने को मिलती है। इसका जो बैक का डिज़ाइन है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट अगर साइड माउंटेड दे देते तो और भी ये फ़ोन अच्छा हो जाता। वैसे फिर भी ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, खास करके इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफ़ी अच्छा लगता है, और मैट फिनिश होने की वजह से पकड़ने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, और जो इन हैंड फील है उसकी वो भी काफ़ी अच्छा है। और फ़ोन दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी नहीं फील होता है जब भी आप इसको होल्ड करोगे, यूज़ करोगे। और जो एजेस हैं दोस्तों वो फ्लैट दिए गए हैं, इसकी वजह से फ़ोन का जो ग्रिप है पकड़ने में वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, सही रहता है। दोस्तों ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिन्हें कम प्राइस में ज़्यादा रैम चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, क्योंकि दोस्तों जनरली हमें इस प्राइस में इतनी ज़्यादा रैम देखने को नहीं मिलती है। तो इन्फिनिक्स जो है मार्केट से थोड़ा हट के काम करने की कोशिश कर रहा है, और आपको कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश कर रहा है। बाकी ओवरऑल में ये फ़ोन काफ़ी सही लगा। अगर आपको भी ज़्यादा रैम और स्टोरेज चाहिए तो इस फ़ोन की तरफ आप देख सकते हो। डिज़ाइन वाइज भी फ़ोन काफ़ी सही है।